से देख लेते हैं कि जरा ज्यादा फासले पर है, थोड़े फासले पर है। पूरा मौका दिया जा रहा है कि उन लोगों को थोड़ी स्पेस मिले और वो अंदर जलसागाह तक आ सकें। तो इस सब के दरमियान ना तकरीर तो हो रही थी, हम इमरान इस्माइल के ऊपर ही खाली क्यों टिके। हम तो इससे पहले शेख रशीद साहब भी बात करके गए, उनका भी तस्करा कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि देखिए अंदर बाहर तो जलसागाह के लोग बहुत अच्छी खासी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और अब शाम हो चली है इस्लामाबाद में, ये भी हो गया है, ऐसा भी है, तो ये फ़ज़ाई मनाजर तो हैं ही हैं। साथ में कुछ तकरीर की मैं बात करना चाह रही थी ना, तो वो अभी जैसे कुछ गीत हमने सुने, पीटीआई का जो पार्टी नगमा है वो नजम शिराज ने आके गुनगुनाया। अब आपने तब्दीली वाली नजम सुनाई है ना, तो मैं ज़रा दो तीन लाइंस उनकी बता देती हूँ। बांट लो सबके गम, जहाँ तक जाए तुम्हारे कदम, रुकना नहीं घबराना नहीं, नजम शिराज ने गीत गुनगुनाया। और इसके अलावा इमरान खान की फेवरेट कवाली भी यहाँ पर पढ़ी गई है। और जिस तरह से आप इस्लामाबाद की शाम की बात कर रही हैं, तो किरण इस्लामाबाद की शामें तो वैसे ही खूबसूरत होती हैं, और इस वक्त जो नज़ारे हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। आवाम पुरजोश हैं, निकले हैं जलसागाह में बड़ी तादाद में, यहाँ पर कारकुनों को, पीटीआई कारकुनों को देखा जा सकता है। अब तो बस इंतज़ार हो रहा है किरण के, कब इमरान खान खिताब करेंगे, क्या बोलने लगे, क्या कहेंगे। वो काफी हफ्तों से, काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था आज के दिन का, कि वो ऐसा आखिर खास क्या पैगाम है, सरप्राइज की बात की थी उन्होंने, क्या सरप्राइज है जो इमरान खान देंगे आज। अच्छा वो आप देखिए ना, इस्लामाबाद की शाम, इस्लामाबाद की शाम का खाली तस्करा क्यों करें जब हम ये फ़ज़ाई मनाजर दिखा रहे हैं। हम दिन की गर्मी के बारे में क्यों ना बताएं, पूरा दिन शदीद गर्म था, हवाएं भी थी, लेकिन शाम अक्सर मुख्तलिफ होती है इस्लामाबाद की। आपके लिए, पाकिस्तान के लिए यहाँ पहुंचे कि मैं मौजूद हूँ, भरपूर इस्तकबाल कीजिए, सलमान ऑफ जनून।